स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम अधूरा, मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, खुद बीजेपी विधायक भी प्रोजेक्ट में लापरवाही से नाराज। उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन की प्रक्रिया पूरी, मनमोहन लांबा बने बार काउंसिल के चेयरमैन, उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए रुड़की के मुनफैत अली, बार काउंसिल के चेयरमैन बने मनमोहन। चारधाम यात्रा की तैयारियों को दी गई रफ्तार, महापौर अनीता बमगाई ने निगम अधिकारियों संघ की बैठक, कहा श्रद्धालुओं को बेहतर मिले सुविधा। बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ को हटाने में जुटी बीआरओ की टीम, हाईवे पर ग्लेशियर हटाने का काम जारी, बीआरओ के कमांडर ने कहा जल्द सुचारू होगा यातायात। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, देहरादून में चल रही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा ना होने से जनता को इससे परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है, तो वहीं अब खुद बीजेपी के विधायक खजान दास ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है, जहां विधायक खजान दास ने कहा कि यदि वह जीत कर फिर से विधायक बनते हैं तो वो सबसे पहले उन भ्रष्ट अधिकारी और कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जिस गति के साथ काम होना चाहिए था वो गति नहीं पकड़ी गई काम में, इसको हम स्पष्ट तौर पे जानते हैं और सब जानते हैं, जनता भी जानती है। कुल मिलाकर के जो अनुमान था कि आपको इतने समय के अनुसार काम को करना है, वो ठीक है कि एक साल का कोरोना काल में लगा है, किंतु अभी भी नहीं सुधरते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मैं स्वयं भी FRI दर्ज कराऊंगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, 57 इनके विधायक थे और स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने देहरादून का सत्यानाश मार दिया। इधर लक्ष्मण रेखा बनाई स्मार्ट सिटी पार्किंग की, इधर से उधर जाओ तो बस रेट हो जाते हैं हाय। और इन्होंने जो स्मार्ट ATM बनाया, वाटर ATM, वो क्या था भाई, उसमें तो पानी नहीं निकलता या कोई बैठा नहीं होता, और पता नहीं किसको आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। स्मार्ट टॉयलेट, वही हाल उनका है, गंदगी जैसी की तैसी है। तो एक तरफ स्वच्छ भारत आपने नारा दिया था और उत्तराखंड को एकदम गंदा कर दिया, सड़कें खुदी हुई, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे, और जो गड्ढे अमित शाह जी कह रहे थे ना, वो यही गड्ढे हैं। उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और समितियों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। महत्वपूर्ण चेयरमैन पद पर देहरादून के मनमोहन लांबा और उपाध्यक्ष पद पर रुड़की के मुनफैत अली चुने गए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल एक साल होगा। उत्तराखंड बार काउंसिल सभागार में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 9 समितियों के सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ है। महाधिवक्ता समेत सभी 21 सदस्यों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद मतगणना हुई। बार काउंसिल के सदस्य, सचिव और चुनाव अधिकारी मेहमान सिंह कोरंगा ने परिणाम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद पर विजयी मनमोहन लांबा को 11 और अनिल पंडित को 10 मत मिले। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन लांबा के उत्तराखंड बार काउंसिल बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको बधाई दी है। तो वहीं रुड़की क्षेत्र के हरिद्वार दिल्ली रोड और देहरादून रोड पर अवैध कॉलोनियों की भरमार देखी जा सकती है। ये कॉलोनी अधिकतर सफेदपोष नेताओं की है। ज्यादातर कॉलोनियों को सफेदपोष नेताओं का संरक्षण मिला है, जिनके संबंध सीधे संबंधित अधिकारियों से है। क्षेत्र में कटी कॉलोनियां रेरा विभाग से भी पास नहीं है। वहीं अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें लगभग दर्जनों अवैध कॉलोनियों के नोटिस काटे गए हैं और चेतावनी दी गई है कि अगर कॉलोनी के नियमों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बेलड़ा क्षेत्र में ही नहीं, भगवानपुर क्षेत्र में हो, चाहे दिल्ली रोड, हरिद्वार रोड, जो भी हैं, इनमें जो भी निर्माण या विकास कार्य चल रहे हैं और विशेष रूप से जो प्लॉटिंग के, उन पर हमने सख्त कार्रवाई करते हुए अभी जो है 30 जो है लेआउट पर जो है हमने कार्रवाई कर की है और उनको जो है ध्वस्तीकरण होते सोकॉल्ड नोटिस जारी किए हैं, और जो नए अभी प्लॉटिंग जो शुरू हुई है उन पर हम प्राथमिक नोटिस जारी कर रहे हैं 1973 एक्ट के अनुसार। देखिए, जो कॉलोनी काटते हैं वो जो एक जनहित का मैटर है, जनहित का विकास है, और जन जागरण, जन मानस को भी ये सचेत रहना चाहिए कि जो हमारी कॉलोनी है जहाँ हम प्लॉट ले रहे हैं वो विकसित है या HRDA से अप्रूव्ड है अथवा नहीं है। जो ये भू विकास करता है ये लोग रेरा से बचने के लिए और कस्टमरों के हितों का जो है ध्यान नहीं रखते हैं, ये कई कारणों से जो है और अपनी फीस को बचाने के उद्देश्य से
अनाधिकृत रूप से जो है कॉलोनी काटते हैं। उधम सिंह नगर के थाना पंतनगर स्थित सिडकुल टुलब्रोज फॉर्मुलेशन कंपनी में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने 35 लाख की चोरी को अंजाम दिया। वहीं आरोपी चोरी करके फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके की घटना की जानकारी जुटाई और मामले की जांच पड़ताल जुट गई है। सुबह 7:30 बजे हमारे स्टाफ का फोन आया था कि आप जल्दी आइए, कुछ फैक्ट्री में शीशे टूटे हुए हैं। मैं 8 बजे करीब फैक्ट्री आया तो देखा मेन शीशा टूटा हुआ था। अंदर ऑफिस में गया तो अंदर ऑफिस में दराज वगैरह जो है वो सारे काले होके तोड़े हुए थे। लग रहा था उस पर गैस कटर का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद पुलिस को जानकारी हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आई, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। जो भी है, मेरी पुलिस से ये प्रार्थना है, प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इस काम को निष्पक्ष जितनी जल्दी जल्दी हो जाए वो करा दिया जाए। ये 112 पे एक सूचना आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी सूचना पे जो है हमारे कर्मचारी हम लोग सभी आए हुए हैं और CCTV फुटेज देख रहे हैं और एक व्यक्ति दिख रहा है, संभवतः आशंका जताई जा रही है, उसी को डेवलप किया जा रहा है। CCTV फुटेज डेवलप करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। मिश्रा जी, कितनी चोरी हुई है लगभग अब तक, क्या कुछ जो है इसमें जानकारी मिल पाई है पुलिस को? ये अभी जो है तहरीर नहीं आई है और अभी बता रहे हैं कि हम काउंट करके बताएंगे, शायद कैसे बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से गया। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से कई सामान जलकर खाक हो गए, जिसके चलते लाखों रुपए के सामान के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग अन्य दुकानों तक नहीं पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नुकसान जो 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान है। हमारी बराबर में 3 दुकानें और थी सर, इन चारों दुकानों में आग लग गई है। इन चारों दुकान का नुकसान 7-8 लाख रुपये। सर हमने फोटी चेक की, कैमरे मार दिए, पीछे के रास्ते 3 लड़के उसमें आई है। सर मैं पुलिस से अपील करता हूँ इस चीज़ की जाँच की जाए जल्द से जल्द। 12-14 दुकान जी, दो तो फ्रिज है, 1 लाख का 1.5 लाख तो फ्रिज ही है, जी फ्रिज है वो है। अच्छा, बाकी तो सामान दुकान में भरा ही, आप देख ही रहे हो, आप देख ही आए ही है। ये तो लग रहा है किसी ने साजिश की है, कि बार पहले भी कैर लगाई थी, अभी भी और लगा दी, फिर बीच में चोरी भी करी। ये 3 लवंडे हैं, इधर से जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं मंडी के कैमरे में, 3 लवंडे दिख रहे हैं। आपने कैसे देखे 3 लड़के जा रहे? मंडी के कैमरा में लगा है ना, एक बाबूजी की दुकान में, उनपे में देखा। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579.
आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए दिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम कुंभ की नगरी हरिद्वार आए हैं एक कहानी लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार, और यह हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है, जहां पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में चलने वाला अस्पताल स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल मौजूद है। ऐसे इनके अंडर में आने वाले तकरीबन 10 अस्पताल हैं, जहां पर शिविर लगाकर मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल 24 घंटे रनिंग में है। आज हम इस कहानी को कवर करने क्यों आए, इस कहानी को, इस स्टोरी को कवर करने का हमारा इरादा सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि किस तरीके से समाज में कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और कई दफा इनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आज हम यहां आए हैं, यहाँ किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके से स्वार्थ को न लाकर सामने, बिना स्वार्थ के किस तरीके से डॉक्टर्स, किस तरीके से यहाँ पर पूरा स्टाफ किस तरीके से लोगों के लिए काम करता है, ये हम सब आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का नौवां हॉस्पिटल, जो कि हरिद्वार में 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है, इसमें हम साधु संत और जो निर्धन या आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं, उन लोगों की हम मदद करते हैं, उनको हम फ्री इलाज करते हैं उनका। हमारे यहाँ हर संडे को सुपर स्पेशलिटी कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, और ये कैंप्स पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश नगर निगम प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियों को रफ्तार दे दी है। महापौर अनिता ममकाई ने निगम अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे तैयारियों का फीडबैक लिया, और साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों की बैठक लेते हुए महापौर ने कहा कि कोरोना के नए वेरियंट से देश उभर चुका है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण चारधाम यात्रा नहीं चल पाई। हालांकि इस बार सब कुछ सही रहा तो पहले की तरह चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान पूरे देश की निगाहें यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश पर होगी, इसलिए हम सबको समय पर तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। साथ ही उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को सभी मौलिक सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए। चारधाम यात्रा को देखते हुए आज अधिकारियों की बैठक ली गई, और अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया कि किस प्रकार से नगर निगम की अपनी व्यवस्थाओं की तैयारी कर रखी है, जिस प्रकार से कि सफाई व्यवस्था, चारधाम जो कि देश विदेश से ऋषिकेश में जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ऋषिकेश शहर में भी पूरी तरह से उनको सफाई व्यवस्था इतनी चाक चौबंद लगनी चाहिए ताकि वो देश विदेशों में भी इसका संदेश लेके जाएं। और जिस प्रकार से कि नगर निगम ऋषिकेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर रखा है, तो उसी प्रकार सभी से निवेदन करते हुए कि चारधाम यात्रा के दौरान कोई भी पॉलीथीन लेके या सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ पर ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत उसका उपयोग ना करें। उससे सबसे ज़्यादा गंदगी भी होती है, जहाँ वो हार्मफुल होता है वहाँ गंदगी का भी बहुत बड़ा कारण होता है। गदरपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 4 युवकों को चोरी के माल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र के ही 4 युवकों को गदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक व्यक्ति की तरफ से तहरीर दी गई थी कि उनकी राइस मिल से 4 बिजली मोटर चोरी हो गई है। दरअसल गदरपुर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र बेलवाल को मामले का खुलासा करने के लिए लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। बद्रीनाथ हाईवे पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
बीआरओ की ओर से हाईवे पर हनुमान चट्टी से दूध धारा नाले तक बर्फ हटाकर वाहनों की आवाजाही चालू कर दी गई, जबकि दूध धारा में हाईवे पर आए करीब 25 फीट ऊंचे ग्लेशियर को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि हाईवे पर अन्य स्थानों पर भी 25 से 30 फीट ऊंचे ग्लेशियर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो आने वाले 3 दिनों में हाईवे को बद्रीनाथ धाम तक सुचारू कर दिया जाएगा। तो वहीं लक्सर के सुल्तानपुर में अज्ञात बदमाशों की तरफ से डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। डकैतों की तरफ से 2 घरों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि 6 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें डकैत लाखों रुपए का सामान और जेवरात लूटकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अंदर आए थे ना पड़ोसियों को लेकर, उन्होंने गेट खुलवाया, उसके बाद आगो सबके माथे पर उन्होंने बंदूक रख दी थी, हाथ बांध दिए थे पीछे, एक कमरे में सबको बिठा को उसके बाद उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, और जो पहन रखे थे मतलब कान वान में सारी पजेब पुजेब सारी निकलवाई उन्होंने, 7,000 कैश रखा था वो भी ले गए करके यहाँ से नीचे को, और आगे हाथ बांध दिए उन्होंने, बांध के जो पेट्रोलिंग शुरू कर दी उन्होंने, फिर यहाँ से गए दूसरे घर में लेके हम बांध को लेके, फिर उसके यहाँ टुटोली करी, उसके यहाँ से बांध को फिर मर्द नहीं आया था उसके, फिर तीसरे को लेके, तीसरे को वहाँ मुझे बंद कर दिया, उस चौथे को लेके फिर इस तरह लेते रहते 3-4 में फिर गए, सोने चांदी की 4-5 चीज़, सोने की चांदी की 5-6 चीज़ और लिख देंगे पास आए थे हमारे यहाँ 2:20 के आसपास, उन्होंने सब ना कट्टे ले रखे थे, सबको उठा कर सबके पीछे से हाथ बांध दिए, जितने भी थे हम घर में 6 आदमी थे तो 4 के हमारे हाथ बांधे, 2 मम्मी पापा मतलब बहन थी मम्मी थी उनके तो बांधे नहीं, हमारे हाथ बांध दिए थे, बांध के एक कमरे में फिट कर दिए, बाकी जितना सामान था सा उटल पुटल जो उसमें जो मिला वो ले गए, जो नहीं मिला अपना चले गए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर कुन्हारी गाँव में देर रात को अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने 4 घरों को निशाना बनाया है, जिसमें सभी को बंधक बनाकर लाखों रुपये के जेवर व लाखों रुपये की नकदी पर हाथ साफ किया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात 6-7 लोगों के खिलाफ डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आगे यह भी देखना होगा कि लक्सर कोतवाली पुलिस इन डकैतों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। लक्सर से परवीन सैनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर हथियार के बल पर डकैती की घटना सामने आई है। तो लक्सर के सुल्तानपुर का यह पूरा मामला, जहां अज्ञात बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, डकैतों की तरफ से 2 घरों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि 6 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। डकैत लाखों रुपए का सामान और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। लक्सर से तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बदमाशों ने लूट की वारदात को, लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर ये पूरी डकैती की घटना जो है उसको किया गया, और आपको बता दें कि डकैत लाखों रुपए का सामान और जेवरात लूटकर फरार हुए हैं। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो लक्सर से खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां डकैत लाखों रुपए का सामान और जेवरात लूटकर फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों ने इस डकैती की घटना को अंजाम दिया है। आपको बताते चलें कि बदमाशों की तरफ से इस डकैती की घटना को लक्सर के सुल्तानपुर में अंजाम दिया गया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने डकैती की और लाखों का सामान और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो लक्सर से खबर आप देख रहे हैं, लक्सर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लक्सर के सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं, जहां लाखों रुपए का सामान लेकर हथियारबंद डकैत पहले लाखों की चोरी की, लाखों का सामान लूटा, जेवरात लूटे और उसके बाद फरार हो गए। आपको बता दें कि सभी बदमाशों के पास हथियार थे, और अब पुलिस अज्ञात हथियारबंद बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और ये पूरा मामला लक्सर के सुल्तानपुर का है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जिस घर में लूटपाट हुई, डकैतों ने लाखों रुपए का सामान और जेवरात लूट लिया, जिसके बाद वो फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, और पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है।
तो लक्सर से खबर आपको बता रहे थे, जहां हथियार के बल पर डकैती हुई और डकैती करने के बाद हथियार बंद डकैत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। तो फिलहाल के लिए आज अपना उत्तराखंड में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।